शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने टेस्ट में बल्लेबाजी की है, ठीक है, अच्छी गेंद पड़ी है, आज उनका दिन नहीं था, या कहें कि थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई उनसे, और कब पिच इतनी आएगा? आसानी थी। देखिए अभी तो रन बनाया, हालांकि WTC फाइनल जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर, क्योंकि IPL में तो इनके बल्ले से खूब रन निकले थे, मैच दर मैच इनके बल्ले से शतक भी आए थे, 3 शतक लगाए थे IPL में, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, चलिए ODI कि पहले मैच में तो देख लिया, लेकिन अब T20 भी बचा हुआ, वहां पर भी देखते हैं इनका प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि टेस्ट के लिए तो जाने जाते हैं। हमने लगातार बोला कि तीनों फॉर्मेट में इनकी बल्लेबाजी काफी शानदार रही है, लेकिन अभी पिछले मुकाबले के साथ साथ अभी ODI मैचेस में भी उनका प्रदर्शन उस तरीके से खास नजर नहीं आया। आज भी 7 रन पे वो आउट हुए, तो थोड़ा सा दुख हो रहा है मुझे गिल के लिए। बिल्कुल। और देखिए, हालांकि गिल के लिए दुख वाली चीज ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टैलेंट है और रन बना रहे हैं। दो देख चार लेते हैं, T20 भी अभी बचा हुआ है, वहां नहीं पर भी दो देख चार लेते हैं। दो चार खराब पारियों के दम पे आप नहीं कर मुझे सकते ना, लगता है कि क्योंकि KL राहुल को कॉपी कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए 1-1.5 साल लगातार रन बनाए, और 1-1.5 साल रन बनाने के बाद अगर 2-3 पारियां खराब जाती है, यार उसके आप बाद अगर आप देखिए, आलोचना करते हैं तो 7 रन तो नहीं जाने जाते, 6 रन नहीं बिल्कुल नहीं जाने जाने जाते, जाते, दस रन बिल्कुल नहीं नहीं जाने जाने जाते, जाते। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं जाने जाते। लेकिन ठीक है, आउट हो गए तो एक बार आउट होने से, या 2-3 पारियों में आउट हो जाने से, आउट ऑफ फॉर्म नहीं बोला जाता ना। या लेकिन एक अच्छे कमबैक के साथ वो नजर आ सकते थे, 30 रन तो बना सकते थे वो, लेकिन जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की, लग रहा था कि ओपनिंग करने वो आए थे। हमने लगातार बोला कि टेस्ट मैच में तीसरे नंबर पर उन्हें खिलाया जा रहा है, वहां पर वो फिट नजर नहीं आ रहे थे। अब एज अ ओपनर वो इस वाले मैच में वो नजर आए थे, लेकिन वहां पर भी उनका प्रदर्शन वो खास नजर नहीं आया, तो ठीक थोड़ा है, सा ये बात मुझे, मैं आश्वस्त हूँ उनको लेके, उनकी मतलब आप खुश हैं उनके प्रदर्शन को लेकर? खुश नहीं हूँ, आश्वस्त हूँ मैं। मुझे पता है कि उनका सिर्फ एक अच्छी पारी और वो वापस फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि आप, मुझे तो लगता भी नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। आप कह रही है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि IPL में रन बनाए हैं, WTC फाइनल में कंडीशन हार्ड थी, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में, मतलब 2 टेस्ट में 2 इनिंग खेली है उन्होंने, एक में नाबाद रहे हैं, एक में रन फेल हो गए थे। तो आप सोचिए, आप तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी अच्छी करी यार, लेकिन आज मुकेश कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, तो आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। दोबारा से वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी की साइड चलते हैं, तो ये देखिए, जैसा कि आप कह रही थी, कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता हुआ, तो आपके मतलब क्रिकेटिंग नॉलेज बढ़ती जा रही है। देखिए अब वो नॉलेज की बात नहीं है, वो स्कोर बोर्ड पे आप खुद ही समझ गए होंगे कि 4 3 ओवर किया उन्होंने और 6 रन दिया, 4 विकेट लिया, तो वो तो मुझे लगता है कि अगर क्रिकेट की नॉलेज भी नहीं रहेगी तो वो भी इंसान बता मतलब देगा। मेरे को क्रिकेट की नॉलेज नहीं नहीं, है। मैं आपको नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ कि स्कोर बोर्ड पे वो दिख जाएगा कि आपने क्या कहते हैं, 3 ओवर फेंके, 6 रन दिए और 4 विकेट लिए, तो मैन ऑफ द मैच तो इनको बनता ही था। जडेजा किस बेसिस पे आपने बोला? यार उन्होंने ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाजों को आउट वो किया मैटर है, नहीं करता सर, यहाँ पे ये क्या मैटर, बात कर रहे हो। यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपने कितना कम रन देके और कितने ज्यादा विकेट चटकाए हैं, मुझे ये लगता है। हाँ वो बात तो है, देखिए गेंदबाजी तो अच्छी हुई, और क्या पता कि अगर आप पहले आ जाते कुलदीप यादव गेंदबाजी करने के लिए, तो 5 विकेट हॉल भी इनका हो जाता। मैं इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खैर, कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच है, वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी में कुछ है नहीं ऐसा जिसके बारे में बातचीत की जाए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, किशना एक तरफा मैच बुरी तरीके से, लेकिन ईशान किशन ने रन जरूर बनाए। तो ईशान किशन अच्छा खेले और संजू सैमसन नहीं खेले, इससे नाराज कृष्णा कुछ नहीं बोल रहे, अभी मौन व्रत पर है। तो चलिए और घूमते हैं थोड़ा सा न्यूज रूम के बाद, नहीं कुवर के पास जाते हैं। 114 रन बनाने के बाद बहुत खुश हो रहे थे कुवर, लेकिन 114 रन बनाते बनाते 22-23 ओवर लग गए और 5 विकेट भी दे दिए। जी बिल्कुल, जैसा हमने सोचा था कि 15 ओवर में खत्म कर देनी चाहिए पारी, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि 5 विकेट आप 114 भी दे दिए। वहीं अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज की, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि उनका बुरा है, उनका प्रदर्शन ठीक लगा इस इनिंग्स में। मतलब कि कभी सोच इतना सोचा नहीं था कि 5 विकेट आप, विराट और रोहित क्या सोच के बैठे थे, आज बैटिंग के लिए आना ही नहीं है। मतलब मैं तो हैरान हूं बस इस इनिंग्स के बाद से, मुझे नहीं लगा था कि इस तरीके से ये होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो आपकी गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है, आपको पेशेंस से खेलना चाहिए था अच्छे से, जैसे हम बात कर रहे थे, आप अच्छे से गेंदे कीजिए खेलिए। आपकी वैसे ही फॉर्म थोड़ी खराब चल रही है, आप ठीक है, आपने टेस्ट में 100 मारे हैं, आप आराम से थोड़ा बैठिए, पिच पर बैठिए, पिच को समझिए, गेंदे खेलिए। लेकिन मैं हैरान हूँ,
मैं तो यही कह सकता हूँ इस चीज। अंकिता कह रही है कि जीते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जीते तो क्या जीते, और जीते भी तो ऐसे जीते क्योंकि WTC फाइनल में आपने देख लिया था, इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया हरा गई थी। तो देखिए ना किस टीम के खिलाफ जीत रहे और कैसे जीत रहे हैं। यहीं पे अगर कोई बड़ी टीम इंग्लैंड जैसी टीम होती, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती तो शायद 10 विकेट से जीतती। बट आज खुशी का दिन है, टीम इंडिया जीती। ऐसा कौन सा खुशी, ऐसा क्या नहीं, ऐसा क्या कर लिया। अगर हार जाती तो क्या बोलते आप फिर? हार जाती तो तब तो ट्रोल करना बनता था, लेकिन ठीक है। आज हम गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाजी कमाल की हुई है। और अब यहाँ पे कृष्णा भी आ रहे हैं और वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं तो चाहता था कि इंडिया आज हारे, लेकिन जितना मैंने जितना प्रिडिक्ट किया था कि 180 या 200 रन बनाते तो आज इंडिया नहीं, आज अगर बेस्ट, आज नहीं प्रिडिक्शन मेरा खराब था, लेकिन आज वेस्ट इंडीज 200 बना लेती तो आज इंडिया पक्का हारती। और जिस तरह से गिल का जो नहीं, गिल का जो परफॉर्म चल रहा है, जो नहीं हारती नहीं, वो तो ठीक है मान लिया, मैं बोलूंगी नहीं हारती, क्यों 200 रन पे भी इंडिया हारती, नहीं हार जाती क्यों? हाँ, क्या बताइए इसलिए नहीं हारती क्योंकि वहां पर थोड़ा बैटिंग ऑर्डर मुझे लगता है चेंज हो जाता। आज कम स्कोर था तो शायद रोहित शर्मा ने थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। और अंकिता इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं खाता, मेरे ख्याल से हार जाती भारतीय टीम, हार जाती क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं, ऑडियंस से भी पूछते हैं, ऑडियंस आपको क्या लगता है अगर 200 का टारगेट होता यहाँ पर करीब तो क्या भारतीय टीम जीत पाती है मैच? क्योंकि मुझे नहीं लगता, जैसे हम बात कर रहे थे 15 ओवर तक जीतेगी भारतीय टीम, 15 ओवर तक चेस करना चाहिए, लेकिन जो बात हम पहले कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज को अब सोचना चाहिए, अपनी अंतरात्मा से बात करनी चाहिए, वही चीज अब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को करनी चाहिए कि आप भारतीय टीम आपके नहीं, ठीक है आपकी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, हमने इतनी तारीफ की, लेकिन आपने सारी तारीफ वो मिट्टी कर दी, आपने सेकेंड इनिंग्स में आके आपने आप देखिए आप 115 के टारगेट, हम सोच रहे थे कि अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, इनको और गेंदे खेलें, ये अपनी फॉर्म को वापस लेके आए, लेकिन आपने तो सब कुछ मिट्टी कर दिया। अगर आप पहले पारी में इतनी तारीफ आप सुनते हैं, आप फिर सराहना जहां होती है वहां करनी चाहिए, लेकिन जहां पे क्रिटिसिज्म होता है वहां पे क्रिटिसिज्म देना चाहिए मेरे ख्याल से। आपने कर लिया ना क्रिटिसिज्म जो भी करना था, लेकिन अनुमान था ना, ये अनुमान था कि 200 का आंकड़ा बनता, ठीक है, तो 200 का आंकड़ा बनता तो वहां पे प्लेयर्स भी तो आते, विराट कोहली स्टार्टिंग में आते, ठीक है, रोहित शर्मा स्टार्टिंग में आते, बाकी के शार्दुल ठाकुर को भेजा था उन्होंने बल्लेबाजी के लिए, एक रन बनाया उन्होंने। मेरा मानना यह था कि रोहित शर्मा को खुद तो पहले आना चाहिए था क्योंकि रोहित शर्मा खुद ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अगर आप भेज रहे हो, ठीक है, यंगस्टर्स को भेज रहे हो, ईशान किशन को भेज रहे हो आप पहले, आप शुभमन गिल को भेज रहे हो, लेकिन आप खुद भी तो आए। सूर्य कुमार यादव तो इससे पहले ठीक फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन फिर भी आप उनको पहले भेज रहे हो, आप खुद कैप्टेंसी एज अ कैप्टन आप खुद नहीं चार्ज ले रहे हो। या तो ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा अपने आप को वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं देखते हैं तो इसलिए रोहित शर्मा जा नहीं रहे हैं वहां पर। तो ये मेरे को नहीं लगा, मुझे ये थोड़ा उनका पर्सपेक्टिव, मैं मान सकता हूँ उनका पर्सपेक्टिव जो भी होगा, भारतीय कप्तान है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको पहले आना चाहिए था, उनको जरूर कुछ गेंदें जरूर खेलनी चाहिए थी पहले। हाँ, आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा शुभमन गिल से मैं नाराज हूँ क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि टेस्ट टीम में उन्हें पुजारा की जगह नंबर 3 पर रखा गया, ठीक है, आज उन्होंने ओपनिंग की जी। शुभमन गिल ना दिवाली का वो पटाखा है जो हम सोचते हैं, वो 45 स्टार्स वाला नहीं, जो हम सोचते हैं कि आएगा ये बहुत चलेगा, लेकिन वो चलती फूस हो जाता है, ये वो पटाखा बन गया शुभमन गिल अब, क्योंकि ना ये टेस्ट में चले, आप IPL में आप ऑरेंज कैप ले जाते हो, आप IPL में परफॉर्म कर लेते हो, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलते हो आप, लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कर रहे हो? अगर हम वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे हैं अभी, वेस्ट इंडीज अभी हम इतना नहीं मान रहे, वेस्ट इंडीज अगर हम देखें तो धोया है इनको हमने, लेकिन आप वेस्ट इंडीज के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लोगे? WTC फाइनल सबने देखा, हम कैसे देख लें कि आप इंग्लैंड के साथ कर लोगे परफॉर्म? अगर वेस्ट इंडीज के साथ ही आप इतने, आपके टेस्ट मैच सारे हुए, सारे मैच में नहीं चले, अभी आज इधर भी मौका मिल गया लेकिन यहाँ भी नहीं चले, लेकिन वहीं ईशान किशन ने जरूर एक अच्छी पारी खेली, इस बात में मैं जरूर कहूंगा ईशान किशन ने। और जिस तरीके से आज उन्हें रोहित शर्मा ने दो के बीच में हो रहा था, संजू सैमसन और उनके बीच में, मैं मानता हूं कि मतलब कि ईशान किशन ने अपने मतलब के जो सवाल उठाया जा रहा था कि इन्हें रखें, लेकिन ईशान किशन खड़े उतरे हैं और जी जी जी